हाय चिल्ड्रन uh, हम लोग ने एक एग्ज़ाम्पल किया था एडिशन में फ्रैक्शंस की एडिशन में uh, और जो कि मैंने आपको बेसिक मेथड से करना बताया था एंड द एग्ज़ाम्पल दैट वी ट्राइड टू सॉल्व लास्ट टाइम वाज वन एंड वन ओवर हाफ प्लस थ्री एंड टू ओवर हाफ प्लस सेवन ओवर टेन और जब हमने इसको सम किया था तो हमारा जो सम आया था आ, सम आंसर वॉज फाइव एंड थ्री ओवर फाइव राइट नाउ टेल मी मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ इसको सॉल्व करने की एक तो तरीका वही है कि बेसिक मेथड के पहले इसको हम लोग जो होल नंबर्स हैं इनको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तीनों को फिर उसके बाद तीनों के जो डिनोमिनेटर्स होंगे उन कैल्सियम लें फिर उनको सम कर दें और उसके बाद से वापस हम इसको इस तरीके से मिक्स फॉर्मेट में लिख दें दैट वॉज अ मेथड दैट आई एक्सप्लेन टू यू इन द लास्ट प्रजेंटेशन बट हेयर आई विल टेल यू अ शॉर्ट मैथड अ स्मार्ट मैथड ना सी द ग्लिट इन द एम इज आई शी इज शी इज सो हैप्पी ओके फाइन सो नाउ वी नो वन एंड वन ओवर टू हाउ डू वी राइट एट इसको हम कैसे लिख सकते हैं हम पहले बता चुके हैं सी वन वन एंड हाफ कैन इजिली भी रिटन एज वन प्लस वन ओवर हाफ इसका मतलब ही यही होता है प्लस इज हिडन राइट सो वी वी कैन राइट वन वन एंड वन एंड हाफ वन प्लस वन ओवर टू प्लस राइट ना सी केयरफुली और वी एव डन वी एव इस पार्ट को हमने ऐसे लिख दिया राइट इस पार्ट को ऐसे लिखेंगे अगले पार्ट को अगला पार्ट है थ्री प्लस थ्री प्लस टू हाफ राइट एंड थर्ड इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर सो वी कैन राइट द सेम एक्सप्रेशन सेम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्मेट राइट now look carefully this one now, 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 now we can uh, uh, we can uh, 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 let, let, let me write it once again for you this becomes 1 and a half plus 3 plus 2 over 5 plus 7 over 10 right now baba says 1 and 3 can be added because 1 is a whole number 3 is also a whole number so वन and थ्री uh, one plus three is four so we write here four plus half ये वाला half हाँ ने यहाँ लिख दिया right? So सो uh, इसको और अच्छे से explain करने की कोशिश करें तो one and three ये दोनों को मिला के हमने यहाँ लिख दिया right and ये जो बचा था one and half इसको हमने यहाँ लिख दिया hmm. and प्लस टू ओवर फाइव प्लस सेवन ओवर टेन यानी कि हमने टू ओवर फाइव जो ये था इसको यहाँ पे लिखा एंड फाइनली सेवन ओवर टेन ये था इसको हमने यहाँ पे लिख दिया राइट नाउ व्हाट वी डू वी गो अ स्टेप अहेड राइट वी गो अ स्टेप अहेड सो नाउ वी हैव दीज फिगर्स सो

पहले हमें पता है कि तीनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग है तो हम लोगों को तीनों नंबर का एल निकालना पड़ेगा एल निकालना पड़ेगा तीनों तीनों मार्क्स का टू का फाइव का एंड टेन का जो एल हमने पहले कैलकुलेट किया था कम्स आउट टू बी टेन तो उस टेन को हम लोग नीचे लिखेंगे जो कि इन तीनों के तीनों फ्रैक्शंस का नया डिनोमिनेटर होगा नाउ वट विल डू विल डू द सेम थिंग जो एडिशन में करते हैं 10 would be divided by 2. 2, 5 is 10. And we will write 5 here. And we will multiply 5 by what? 5 by 1. 1 is the. This part is the 1. Right? Plus now again 5 se hai, 10 ko divide karenge. 5, 2 is a 10. Right? So, we will write 2 here into it is to be multiplied by what this 2 okay okay then we will divide 10 by 10 10 by 10 is equal to what 1 so we will write 1 into into what into denominator 7 hmm so now again we'll write it like 5 under 5 is 5 plus 2 to the 4 is 4 7 under 7 is 7 over 10 now we can write the same expression once again as 5 plus 4 is 9 9 plus 7 is 16 oral मेंटल मैथ्स आपको अब आना चाहिए सो वी वी राइट इट लाइक टेन ओवर सिक्सटीन ओवर टेन नाउ हम लोगों ने डिवीजन uh, की थ्योरी पढ़ी है फैक्टर्स की थ्योरी पढ़ी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं हियर सिक्सटीन को लिख सकते हैं एज वॉट दो तरीके से आगे करेंगे पहला मेथड, फर्स्ट मेथड फर्स्ट मेथड ये है कि वी नो 16 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 10 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 सो so, हम लोग क्या करेंगे 2 से 16 को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे 2 8 जा 16 राइट right? एंड 2 से इसको भी करेंगे 2 5 जा 10 सो so, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या 8 ओवर 5 हम्म hmm. अब इसको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको कि हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इट्स वेरी ईजी हम एट में फाइव के डिवीजन देंगे फाइव वन रिमेनिंग पार्ट वुड बी थ्री सो वन वुड बिकम द होल नंबर जो यहां पे आएगा वन प्लस थ्री ओवर फाइव थ्री ओवर फाइव दैट वुड बिकम हाउ मच वन एंड थ्री ओवर फाइव ठीक है Now ना लुक केयरफुली ना carefully it was the main expression was 4 plus this 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 number yani ab यानी अब हमने ये वाला जो uh, था this part जो था हमारा ये वाला part था हमने इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व करके हमको कितना आंसर मिला इसका आंसर आता है हमारा वन प्लस थ्री एंड हाफ तो इस फोर में अगर वन प्लस थ्री एंड हाफ हम सम कर दें तो हमारा एग्जैक्ट uh, आंसर एक्सप्रेशन का सॉल्व होकर आ जाएगा सो वॉट विल डू सो द एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा वो होगा फोर प्लस वन प्लस थ्री ओवर फाइव दैट बिकम्स फाइव प्लस थ्री ओवर फाइव दैट बिकम्स फाइव एंड थ्री ओवर फाइव बड़ी इजी राइट नाउ इसका एक मेथड और मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो 16 ओवर 10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाना है जो मेथड पहले हमने किया था 16 को हम फैक्टर करेंगे फैक्टर करने का मेथड आपको पता है 2 इंटू टू इंटू टू एंड देन टेन के फैक्टर सिर्फ दो हो सकते हैं टू इंटू फाइव नाउ वी नो इट वेरी क्लियरली टू वन ज टू टू वन जे टू दोनों ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड टू टू ज फोर टू जो एट वन जो वन टू ज टू 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 फोर फोर टू जो एट It would come out to be 8 up and 5 into and 5, 5 down, right? And when we solve it again, it becomes 1 and 3 over 5. And in the final expression, when we add 4 plus 1 3 over 5, we can add a whole num number to the whole number, becomes 5 and 3 over 5.